केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी का रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, पीएम मोदी पर बरसाए गए फूल। पलक्कड़ में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े दिखे लोग। खुली गाड़ी में सवार पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सेलम पहुंचेंगे, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, बिहार में सीट बंटवारे में एक लोकसभा सीट न मिलने पर फैसला लिया। पशुपति पारस बोले, एनडीए में हमारे साथ हुई है नाइंसाफी, बिहार में हमें एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, बोले कि जंगल राज को मुख्यमंत्री ने सुधरने का मौका दिया लेकिन आरजेडी ने उसे गुंडा राज में बदल दिया। विजय कुमार सिन्हा ने हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में ही कहा था कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, अगर बिहार में माफिया राज है तो ये माफिया का नाम बताएं। झारखंड में सोरेन परिवार के कलह आई सामने, सीता सोरेन ने जेएम से दिया इस्तीफा, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन। हरियाणा में नए मंत्रिमंडल का हो गया विस्तार, शाम को 4:30 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले, लोकसभा की सभी सीटों पर पीएम मोदी ही प्रत्याशी हैं, हमें उनके लिए करना है प्रचार। बीजेपी ने अपनी ऑफिशियल चुनावी सामग्री की लॉन्च की, नरेंद्र मोदी ऐप पर कराई उपलब्ध। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, पार्टी चीफ खड़गे के साथ सोनिया और राहुल गांधी शामिल, कई और बड़े नेता भी शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में घोषणा पत्र पर बोले खड़गे, कांग्रेस ने 5 न्याय जनता के सामने रखे हैं, हिस्सेदारी, युवा, किसान और नारी और श्रमिक न्याय का वादा। तेलंगाना की गवर्नर सौंदर राजन का इस्तीफा स्वीकार, प्रेसिडेंट मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को सौंपा चार्ज। शरद गुट के विधायक रोहित पवार की राज ठाकरे से अपील, महाराष्ट्र हित और धर्म का करें पालन, बीजेपी के साथ ना दे, हमारे साथ आकर लड़ने की जरूरत। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल, आज हो सकता है ऐलान, हासन मांडकलर और सीट मांग रही है जेडीएस। तमिलनाडु में बीजेपी पीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता, पीएमके चीफ अंबुमणि रामदोस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के बीच बातचीत हुई। तमिलनाडु से एमडीएम के सांसद वाइको बोले, पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं झूठे वादे और झांसे दे रहे हैं, पर तमिलनाडु फिर साबित करेगा कि ये पेरियार की भूमि है। शशि थरूर का एलडीएफ पर निशाना लिखा कि वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का कर रहे थे विरोध, वही लोग तिरुवनंतपुरम में एंटी बीजेपी वोट बंटने में जुटे हैं। दिल्ली में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, यूपी, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई है उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के 25 सीट पर हुआ मंथन। यूपी की सीटों पर चर्चा के दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी थे मौजूद। ब्रजभूषण चरण सिंह, संतोष गंगवार और वरुण गांधी का कट सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक मेनका गांधी को रायबरेली से बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मिल सकता है टिकट। बीजेपी सहयोगी पार्टी अपना दल को मिर्जापुर और सोनभद्र दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर ने एक और सीट की डिमांड की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हरियाणा से रेसलर योगेश्वर दत्त को दे सकती है टिकट। एक्टर रणदीप हुड्डा को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अखाड़ी को एमवीए का अल्टीमेटम, 4 सीटों के प्रस्ताव पर शाम तक दे जवाब। सीट शेयरिंग पर बोले वीडब्ल्यूए के प्रवक्ता सिद्धार्थ मौके, एमवीए के किसी दल या नेता ने हमारी पार्टी को नहीं दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल, सूत्रों के मुताबिक 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना तिंदे गुट को 13 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 4 सीटें दी गई हैं। आज दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने अहमदाबाद ईस्ट सीट से उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। रोहन गुप्ता ने उम्मीदवारी वापसी लेने के लिए अपने पिता की गंभीर मेडिकल स्थिति को बताया, वजह कहा कि कांग्रेस के नए उम्मीदवार का पूरा समर्थन करेंगे। चुनावी तैयारियों पर बोले, उत्तराखंड के डीजीपी सभी पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश, सख्ती से लागू करें आचार संहिता। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी का बड़ा खुलासा, बीआरएस नेता के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए थे 100 करोड़ रुपए। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति का फायदा उठाने के लिए के कविता ने सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश, होलसेलर्स के जरिए पहुंचाया गया पैसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री अतीश ने कहा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है। अतीश ने निशाना साधते हुए कहा कि ईडी खुद कोर्ट जाती है लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करती। अतीश का बयान कभी मीडिया में बयान देकर कभी समन भेजकर ईडी का अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। जयपुर में सीएम भजन लाल ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दूर करने के दिए निर्देश। पंचकुला के गुरुद्वारा श्री नाडा साहेब पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने गुरुद्वारे में टेका माथा, प्रार्थना कर मांगा आशीर्वाद। सीएम नायब सैनी ने अंबाला में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, सीएम का किया स्वागत। सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में भी किया रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, सीएम ने लोगों का अभिवादन किया। रोड शो में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को दिया रोजगार, पीएम मोदी को जिता कर देनी है 10 सीटें। देहरादून में सीएम धामी से मिले फिल्मी कलाकार राजकुमार राव, विजय राज, तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति की पोस्ट को किया शेयर, लिखा कि हिंद महासागर में समुद्र डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में मोदी समर्थकों ने किया हवन,
चुनावों में बीजेपी की 400 प्लस सीटों की कामना की। लद्दाख में एयरफोर्स का ऑपरेशन सद्भावना, गंभीर रूप से बीमार लोगों को लेह से चंडीगढ़ किया गया एयरलिफ्ट। रूस में भारत के नए राजदूत बनाए गए विनय कुमार, विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके दी जानकारी। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, 36 लोगों के इनामी, 4 नक्सली ढेर, 1 AK-47, 1 कार्बाइन, 2 पिस्टल बरामद। बेंगलुरु में फूड चेन मेघना फूड्स के ठिकानों पर आईटी रेड, टैक्स चोरी के 6 आरोपों की छापेमारी। मिजोरम में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, 2.25 लाख से ज्यादा हेरोइन के साथ 2 लोग अरेस्ट हुए, 110 जेलेटिन की छड़ों के साथ 1 कपल को भी पकड़ा गया है। तेलंगाना के नालगोंडा में पुलिस को सफलता, 1 गाड़ी के करीब 6.25 करोड़ रुपए की कीमत का गोल्ड बरामद हुआ है। पंजाब के होशियारपुर में एक सीनियर कांस्टेबल की हत्या, आरोपी गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया ढेर, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया मंसूरपुरिया। राणा मंसूरपुरिया पर रविवार को एक सीनियर कांस्टेबल की हत्या का आरोप लगा था, पुलिस ने किया था राणा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषणा। मुरादाबाद में बदमाश से रेलवे पुलिस की मुठभेड़, जहर खुरानी गैंग के सरगना महेश साहू को लगी गोली, पुलिस ने अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस ने एक कपल को अरेस्ट किया, हीरोइन के साथ 45,460 रुपए कैश बरामद किए, बस अड्डे पर बेच रहे थे ड्रग्स। आगरा के सिंधी मार्केट में लगी आग, पावर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, से 6 दुकानें जलकर खाक। प्रयागराज के मुट्ठीगंज में एक विवादित महिला की मौत, गुस्साए लड़की के परिजनों ने घर में आग लगाई, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। हरिद्वार में एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च, चुनावों के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा, 162 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विस यादव का कबूलनामा, सिंगर फजीलपुरिया की पार्टी में बनाया गया सांप का वीडियो, फजीलपुरिया से भी होगी पूछताछ। मथुरा पर चढ़ने लगा है होली का खुमार, बरसाना में महिलाओं ने जमकर खेली लटमार होली। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात, गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी। पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया, इसराइल का मकसद हमास का खात्मा, बंधकों की रिहाई और गाजा के भविष्य में इसराइल के लिए खतरा नहीं होने देना। इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल पर रेड की, सैन्य कार्रवाई में 20 से ज्यादा हमास लड़ाकों ने जान गंवाई। इजरायली सेना ने शिफा हॉस्पिटल का वीडियो भी जारी किया, कहा कि कई संदिग्ध हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। इजरायली सेना के मुताबिक शिफा हॉस्पिटल में आ रहा है फंड हमास को भेजा जाता था, अस्पताल से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। इजरायली सेना ने अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों का कमरा भी दिखाया, कमरे में हथियार के साथ काफी पैसे बरामद हुए हैं। इजरायली सेना का दावा, कमरे में मौजूद हमास का एक कमांडर भी मारा गया, जबकि पूरी सैन्य कार्रवाई में एक इजरायली सैनिक की जान गई है। इजरायली बॉर्डर से गाजा पर लगातार हमला जारी, कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना के टैंक्स की गतिविधियां बॉर्डर पर तेज हुए, लगातार बरसाए जा रहे हैं गोले। यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी मिसाइल अटैक में शुक्रवार को 21 लोगों की मौत, लोगों को बचाने की कोशिश में एक फायर फाइटर भी मारा गया। ओडेसा के लोगों ने फायर फाइटर को दी श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई, रूसी हमले में कई मकान भी तबाह हुए। राष्ट्रपति के चुनाव में जीत के बाद पुतिन मॉस्को के रेड स्क्वायर समारोह में शामिल हुए। क्रीमिया में रूस में मिलाए जाने की 10वीं सालगिरह पर हुआ कॉन्सर्ट का आयोजन, पुतिन ने कॉन्सर्ट के दौरान किया ऐलान, क्रीमिया को जल्द ही रूसी शहरों से ट्रेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद का भाई नजफ हामिद गिरफ्तार हुआ, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। अमेरिका में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा फ्लोरिडा का जैक्सन विले बीच, एक शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सेंट पैट्रिक डे के मौके पर एक बार के बाहर अपराधियों ने गोलीबारी की, पुलिस फिलहाल किसी को पकड़ने में नाकाम रही है। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में अपराधियों के गैंग का हमला, कम से कम 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर। हथियारबंद हमलावरों ने कई घरों को लूटा और लोगों को भगाने के लिए मजबूर किया, पुलिस के आने पर हमलावर फरार हुए। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टनसी के लिए तैयार, कहा कि गेंदबाजी भी मैं करूंगा और सभी 14 मैच खेलूंगा। मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीनने के सवाल का जवाब दिया, कहा कि रोहित और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं है। मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर ने कहा कि रोहित को जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना टीम के लिए सही कदम, रोहित खुलकर खेलेंगे, कप्तानी का भार उनके कंधों पर ना हो। इंडियन प्रीमियर लीग से ठीक पहले मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, लेफ्ट हैंड पेसर जैसन बेहनड्रफ हुए चोटिल। मुंबई इंडियंस से चोटिल जैसन की जगह तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को टीम में शामिल किया, 50 लाख रुपए की कीमत पर मुंबई इंडियंस ने वुड को छोड़ेंगे। मुंबई इंडियंस को सूर्य कुमार की फिटनेस को लेकर BCCI से अपडेट का इंतजार, T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज अभी हार्निया के ऑपरेशन से उबर रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन KL राहुल को राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी से IPL खेलने की मिली मंजूरी, शुरुआती मैचों में विकेट कीपिंग से रह सकते हैं दूर, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेने की दी गई है सलाह। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में KL राहुल के पैर में लगी थी चोट, लंदन में कराया गया इलाज। विराट कोहली बैंगलोर में RCB के इवेंट में लेंगे हिस्सा, कोहली ने टीम के प्रैक्टिस कैंप में जमकर की है मेहनत। गुजरात टाइटन्स के कैप्टन शुभमन गिल अपनी टीम से जुड़े, गुजरात ने नए कैप्टन का होटल में ढोल के साथ स्वागत किया। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए, कुलदीप ने कहा MS धोनी के संन्यास लेने के बाद बुरा वक्त शुरू हो गया।
सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। दोनों को ग्रुप सी में 1 करोड़ रुपए की सालाना रिटेनशिप फीस में शामिल किया गया। तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 57 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। तीसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश की जीत, श्रीलंका को 4 विकेट से दी गई शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से किया गया कब्जा। श्रीलंका के ऑलराउंडर जेनेथ लियानके ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 101 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान जेनेथ ने 11 चौके और 2 छक्के जमाए। आईपीएल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के सिर पर लगी चोट, हॉस्पिटल में भर्ती। शादाब खान ने शाहीन अफरीदी का किया बचाव, कहा कि एक हार के बाद हटाना ठीक नहीं। अल्कराज ने लगातार दूसरी बार जीता इंडियन वेल्स का खिताब। फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने डैनियल मेदवेदेव को हराया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाला। एडहॉक कमेटी को भंग किया, खेल मंत्रालय का सस्पेंशन बरकरार। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर नदीम के पास नहीं है नया भाला। नीरज चोपड़ा बोले, पाकिस्तान सरकार को करनी चाहिए मदद। दिल्ली में एयरफोर्स के खिलाड़ियों का सम्मान, एयरफोर्स के चीफ वीआर चौधरी ने सम्मानित किया। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के खिलाड़ियों को दिया अवार्ड।